वो तुम्हें कहाँ से याद आ गए? वो तो याद नहीं आए, उनका काम याद आया। ही इज अ बिग बॉस इन इनकम टैक्स, राइट? जब भी तो वहां पर हर कोई उनके आगे पीछे फिर रहा था, अदरवाइज उसे पार्टी के गेट से अंदर कौन आने देता। उनका नंबर कहीं से पता करो। नंबर? तुम्हें क्या करना है नंबर का? बस मुझे उनसे कोई काम है। क्या काम है? कोई काम भाई, किसी को भारी भरकम नोटिस भिजवाना है। नोटिस? कैसा नोटिस? भाई जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स का नोटिस, और बिजली का नोटिस तो वो भेज नहीं सकते। फिर भी किसको भिजवाना है? बस किसी को भिजवाना है। बताओ तो सही। काशिफ को। काशिफ भाई को? क्यों? अपना हक हासिल करने के लिए। कौन सा हक? ये घर अपने नाम करवाना है, और ये करने के लिए ये नोटिस भिजवाना बहुत जरूरी है। Got it? अब मैं आता हूँ मीडिया कैंपेन की तरफ से। मीडिया कैंपेन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हमारे प्रोजेक्ट के लिए। स्लोगन ऑफ द प्रोजेक्ट इज जवान है पाकिस्तान। नाउ एक थीम सॉन्ग होगा। थीम सॉन्ग है जवान है पाकिस्तान, विल बी संग बाय फेमस सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान। जवान है पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन होगी 5 मिनट्स डॉक्यूमेंट्री, जो कि अट्रैक्ट करेगी डोनर एजेंसीज को। जवान मतलब पाकिस्तान, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका सिंपल इंफॉर्मेटिव स्पॉट्स एड्स बनेंगे टू अपग्रेड अवेयरनेस अबाउट जवान है पाकिस्तान प्रोजेक्ट। स्टैंड अप विद फरा दानियाल वीकली टॉक शो होगा, जिसमें आप उनके सवालों के जवाब देंगी और वो आपसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे। एक तो यूथ के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और दूसरा ये कि यूथ विल नो के आप अप्रोचेबल हैं। टूल्स हैं हमारे केबल टीवी और टेलीविजन लाइक PTV, क्योंकि वो डायरेक्टर है। दो तीन मरतबा लाइन में आ चुका है, शायद आपसे मिलना चाह रहे हैं। मेरे से मिलके क्या करेगा, लाइट आती नहीं है, सारा काम हम जनरेटर से लेते हैं। बहरहाल उसको कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे दे के फारिग कर दो। ठीक है सर, आप फिक्र ना करें, मैं उसे डील कर लूँगा। सर इनकम टैक्स वालों की तरफ से ये लेटर है। ये कब आया? आज सुबह ही आया था। मैं तो स्टोर में था, सुरैया बता रही थी कि कोई अफसर टाइप शख्स था। मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है। जी बिल्कुल। हेलो राजा साहब। जी डॉक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र है जी अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स वालों की जानब से अचानक एक नोटिस आ गया जी। सर मामला कुछ सीरियस ही लग रहा है मुझे। मैं यूँ करता हूँ कि आपको फैक्स करवा देता हूँ, आप ज़रा इसको देख लें और फिर जो आप मशवरा देंगे वैसे कर लेंगे। जी जी ठीक है जी। ओके राजा साहब, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राज साहब आप ये राजा साहब को फौरन फैक्स करवा दीजिए। ज़रा सुरैया को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है जी। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर। टू गेट इन टच विद पीपल, उसके ऊपर आपका फेसबुक है, ट्विटर है, उसके ऊपर आपकी जो है इंटरेक्शन बदस्तूर चलती रहेगी। जिस फिर एक वेबसाइट भी होगी, ऐसी वेबसाइट जो एक्सेसिबल हो, इजी हो, यूज़र फ्रेंडली हो, वो एक डेवलप होगी एक वेबसाइट। गिव अवेज पे हमारा स्लोगन जवान है पाकिस्तान प्रिंटेड होगा।
गिवअवेज में टी शर्ट्स हैं, कैप्स, बॉल पॉइंट पेन्स, कार स्टिकर्स हैं, ये रिस्ट के ऊपर ये फ्रेंडशिप बैंड्स जो होते हैं इसके ऊपर जवान है पाकिस्तान लिखा होगा, वी विल गिव दैट अवे. इवेंट्स होंगे, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी प्लान है हमारा. जवान है पाकिस्तान रोड ट्रिप्स होंगे अक्रॉस पाकिस्तान, जिसके अंदर बसेस पेंट होंगी, ट्रेन्स पर हम सफ़र करेंगे. यूथ ब्लड कैंप्स बनेंगे जिसके अंदर आप बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह दिस गोइंग टू बी यूथ ब्लड कैंप्स. यूथ मैराथन्स होंगी, वॉक्स, मैराथन्स, जिसके अंदर अगेन इंटर प्रोविंशियल होगा एंड यू नो ऑल द यंग पीपल विल बी होल्डिंग पाकिस्तानी फ्लैग्स वाइल वॉकिंग. यूथ यूनिटी कॉन्सर्ट्स वी विल होल्ड, और वो भी चारों प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रोविंसेस में एक ही वक्त. इट विल बी टेकिंग प्लेस इन, लेट्स से, इन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फ्रंटियर, वो एक ही वक्त हम उसको इस तरह से कोइंसाइड करेंगे. यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट्स होंगे जिसके अंदर चारों प्रोविंसेस के टीम्स होंगी, और वो सेलिब्रिटीज़ के साथ भी खेल सकती हैं क्रिकेट, जिसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि प्लेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से खेल रहे हो. लाइक पंजाब का जो है प्लेयर वो सिंध की तरफ से खेल रहा है, सिंध का प्लेयर बलूचिस्तान की तरफ से खेल रहा है. दैट विल बी काइंड ऑफ इंटर हार्मनी ऑफ द प्रोविंसेस. आज तो माशाल्लाह आप काफी बेहतर लग रही हैं. मैं बेहतर नहीं हूँ, मैंने नहीं बचना कबीर. क्या हो गया सरा? मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी मनहूस बातें ना किया करो, परेशान हो जाता हूँ मैं. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती कबीर, आप खुद सोचे मैं कितने माँ से बिस्तर पर हूँ. मैंने आपको एक लम्हा भी सुकून का नहीं दिया. आपने मेरा कितना ख्याल रखा. भी कमाल करती है जरा, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा. मैंने आपको औलाद नहीं दी, आपको सुकून नहीं दिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा. मेरा सांस टूट रहा है कभी. कुछ नहीं हो रहा जरा, आपको जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, जिस वजह से ना कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब वो इन्फेक्शन जो है वो घट रही है. नहीं घट रहा है इन्फेक्शन, बल्कि मेरे सांस घट रहे हैं कभी. नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हो रहा. मैं मरना नहीं चाहती कभी, मैं मरना नहीं चाहती, बचा ले मुझे. कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो. प्लीज मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो. हौसला करो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब. मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ कबीर. मुझे बच लेना, ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे. मुझे बचा लो, अल्लाह खैर करेगा ना. अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बस सब ठीक हो जाएगा. डॉक्टर साहब अभी आ जाते. डॉक्टर साहब बस हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा. मैंने बुलाया डॉक्टर साहब को, अभी डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं. लो डॉक्टर साहब आ गए. क्या हुआ? डॉक्टर साहब तबीयत बहुत खराब हो गई है, देखें उसे, ठीक नहीं हो रही है. सांस तो वाकई खराब है, मैंने ऑक्सीजन लगा देता हूँ, ये ठीक हो जाए. ठीक हो जाएगा चौधरी साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें. कोई आप ही की सुनेगा, क्योंकि यूफोन की सुपर सॉफर से हर मर्तबा